आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस की, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है और उनके जवाब दिए जाएंगे और आप लोगों की जो क्वेरी है उसको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन भी इस वीडियो में शामिल किया गया हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, ये क्वेश्चन है प्रभात यादव जी का। इन्होंने कहा है कि सर, जिनका आईटीआई का रिजल्ट नहीं आया है वो लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन अनिल कुमार यादव जी का है, जिनका सवाल है कि सर, मैं आईटीआई 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हूँ, अभी 4 सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो मैं क्या TGDU का फॉर्म भर सकता हूँ। इसी के ये जो सवाल है, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है शादाब अली का। इन्होंने भी कहा है कि मेरा भी यही क्वेश्चन है। उसके अलावा अक्षय सिंह जी हैं, इनका भी क्वेश्चन है कि सर, मैंने इसी वर्ष आईटीआई में अगस्त में 4थे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, इसी माह में आ सकता है। अगर TG2 की भर्ती रिज़ल्ट आने से पहले आती है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, या रिज़ल्ट आने तक हम एलिजिबल नहीं हैं। तो जितने भी चारों क्वेश्चंस हैं, चारों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेन इन लोग का पूछने का सवाल यही है कि अगर ऐसे कैंडिडेट्स जिनका अभी फाइनल एग्ज़ाम हुआ है, वो अपेयरिंग में हैं और उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो क्या वो लोग वैकेंसी अगर आ जाती है तो क्या वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उन लोगों को ये समझना होगा कि जिस डेट को नोटिफिकेशन जारी होता है उससे पहले आपका पास आउट होना ज़रूरी है। अगर आप नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन निकलने की डेट से पहले कि आप पास आउट हैं, तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप पास आउट नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। फॉर्म भरने को आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उस समय आपको कुछ दिक्कत हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल जी का। विशाल जी का पूछना है कि सर, CCC का सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या TG2 में CCC होना कंपलसरी है, क्या TG2 अगर नहीं है, अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप TG2 के एग्ज़ाम में नहीं भर सकते, या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना ही TG2 की जो भी लास्ट नोटिफिकेशन आई थी उसमें लिखा हुआ था कि आपका CCC ज़रूरी है, ना ही इससे पहले जो 2016 में और 17 में जो वैकेंसीज थी उसमें TG2 में CCC मांगा था। तो CCC होना अनिवार्य नहीं है। CCC के ही बेसिस पे आपको ये कंप्यूटर का टेस्ट पास करना होता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 20 मार्क्स लाना होता है। तो वो टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट के लिए। थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल है आपका मनीष कुमार जी का। मनीष कुमार कह रहे हैं कि UPPCL का मटेरियल का कितना फ़ीस है, सर रिप्लाई करें। इसी से ही मिलता जुलता एक सवाल और है। अजय कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि सर, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। और इसके बाद एक और कमेंट है, वो है प्रताप आर्या जी का। इनका भी कहना है कि सर, स्टडी मटेरियल की क्या प्राइस है, इसमें क्या ITI के सभी चैप्टर कंप्लीट हैं या नहीं। तो देखिए, जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। तो जो कैंडिडेट स्टडी मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप व्हाट्सएप आप करिए, व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी बात रही कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो जो आपका 150 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल का पोर्शन आता है, उसमें जो जो टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं सभी चीज़ आपकी लिखी हुई है। और उसके अलावा जो कंप्यूटर का 50 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी रहता है, वो भी आपको उसमें कंप्यूटर के स्टडी मटेरियल में रेडी किया गया है। और पूरी उम्मीद है कि आप इसको पढ़ करके अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। ये देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रिकल का इंग्लिश का स्टडी मटेरियल, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, और जो कैंडिडेट जो इंग्लिश में लेना प्रेफर करते हैं उनके लिए ये अवेलेबल है। आप में से जो कैंडिडेट लेना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी का जो स्टडी मटेरियल है वो आप देख सकते हैं। ये है, ये आपका हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अगर आप दोनों पढ़ सकते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इंग्लिश प्रेफर करिए, क्योंकि आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए, आप इंग्लिश वाला जो है उसमें डिटेल थ्योरी लिखी हुई है, उसके अलावा MCQs हैं 4 मेजर बुक से, जो कि MCQ जिससे UPPCL में आते रहते हैं। और जो आपका हिंदी वाला है उसमें आपका टू द पॉइंट मटेरियल है, इसमें थ्योरी न्यूमेरिकल MCQs चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, और जो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है वैसे ही इसमें दिया हुआ है। अब रही बात कंप्यूटर की, तो आप देख सकते हैं ये है आपका कंप्यूटर का स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल्स पढ़ करके आप कंप्यूटर में 20 नंबर तो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, इतना मुझे पूरा विश्वास है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की। तो नेक्स्ट कमेंट है आपका आकाश कुमार जी का। ये कहते हैं कि सर, मुझे लगता है कि TG2 की वैकेंसीज अब आगे नहीं आएगी,
तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मानना है कि यूपीपीसीएल अब प्राइवेट हो रहा है और यूपीपीसीएल में अब आगे भी कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो ये सोच रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग परेशान ना होइए, यूपीपीसीएल में वैकेंसीज़ आ रही हैं और TG2 की भी वैकेंसीज़ आती रहेंगी, तो आप लोग परेशान ना होइए, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी और नवंबर दिसंबर तक आने की उम्मीद है, तो आप लोग भरोसा रखिए और तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और वो ये है कि यूपीपीसीएल में वैकेंसीज़ कब आएंगी। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर महेंद्र सिंह ने पूछा कि TG2 की वैकेंसी कब आएगी। उसी तरह आप देख सकते हैं सुनील कुमार कह रहे हैं कि सर TG2 की वैकेंसी कब तक आएगी, और दीपक यादव जी कह रहे हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो आप देखिए ये जो वैकेंसीज़ हैं, मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज़ का भी प्रोसेस चल रहा है और वैकेंसीज़ आनी हैं, थोड़ा समय लग रहा है, तो आप लोग वेट करिए, आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, आपको समय मिला हुआ है तैयारी करने का, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद कुमार राव जी का, इनका कहना है कि सर वैकेंसी कितनी आएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, कुलदीप राज जी कह रहे हैं कि कितनी वैकेंसी आने का चांसेस है सर। और इसके बाद राजेश कुमार जी हैं, इनका कहना है कि यूपीपीसीएल में कितने पद आएंगे और कब तक ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। उसके बाद रविंद्र पटेल जी का भी इसी से मिलता जुलता सवाल है, इनका कहना है कि सर TG2 का कितना सीट आएगा। प्रीतम जी कह रहे हैं कितनी वैकेंसी आएगी सर, कोई अनुमान बताइए। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं और उनको जल्दी है कि कब वैकेंसीज आए और कितनी आए। तो देखिए जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था उसमें तो दिया था कि 400 के राउंड वैकेंसीज आएंगी आपकी TG2 की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1000 के आसपास में वैकेंसीज आ सकती हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए ताकि जो भी वैकेंसीज आए तो आप लोग उसमें अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करिए और आप आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें सफल होइए। इसके अलावा बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनका क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह का रहता है, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो हैं वो TG2 का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, या बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो JEE का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो देखिए डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल JEE का ही फॉर्म भर सकते हैं और जो बीटेक वाले हैं वो केवल AE का ही फॉर्म भर सकते हैं। TG2 का जो फॉर्म है वो केवल ITI इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं, तो जो फॉर्म जिसके लिए है केवल वही भर सकता है और दूसरा उसके फॉर्म नहीं भर सकता। उसके अलावा बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं वो पूछते हैं कि लेटरल एंट्री किया हुआ है सर डिप्लोमा, लेकिन क्या मैं JEE का फॉर्म भर सकता हूँ। मतलब उनका कहना है कि जो एग्ज़ाम है JEE वाला उसमें लिखा हुआ है कि 3 ईयर्स डिप्लोमा, लेकिन उन लोगों की लेटरल एंट्री से ज्वाइनिंग हुई थी तो उनका तो 2 ही साल का डिप्लोमा है, तो क्या वो इस एग्ज़ाम में भर सकते हैं। जी हाँ भर सकते हैं, चाहे आपने लेटरल एंट्री से किया हो, चाहे आपने डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो, आपने डिप्लोमा किया है, आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है 3 ईयर्स डिप्लोमा का, तो आप भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय कुमार का, वो कह रहे हैं कि सर मुझे TG2 की तैयारी करनी है लेकिन मैं कोचिंग नहीं कर सकता, आप बताओ कि घर पर कैसे अच्छी तैयारी कर सकता हूँ। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, वो है रोहित शुक्ला का, वो कहते हैं कि सर मैं जॉब करता हूँ और TG2 की तैयारी करना चाहता हूँ लेकिन लखनऊ नहीं आ सकता, तो कुछ बता सकते हैं कि क्या करूँ और कैसे करूँ। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब कर रहे हैं या फिर किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब कर रहे हैं या फिर कोचिंग नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए ही स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है, तो वो अपने एड्रेस पर स्टडी मटेरियल मंगवाएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि 5 नवंबर से इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस आप लोग के लिए ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करने वाला है। 5 नवंबर से आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, TG2 के लिए इलेक्ट्रिकल सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, उसके लिए एक वन टाइम फीस रखी गई है, वो फीस क्या है और कैसे आपको पे करना है, कितनी फीस है, इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है तो आप उस पर व्हाट्सएप करिए और 5 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसको ज्वाइन करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं और रह गया है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करिए उसको, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।